हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ प्रॉब्लमेटिक्स फाइल एंड देयर मैनेजमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन इज एल्यूमिनियम Al+3 एंड ferrous+3 आयन की अधिकता किस मृदा में होती है। मतलब एल्यूमिनियम और फेरस आयन की अधिकता किस मृदा में होती है, तो एसिडिक सॉइल में यानी अम्लीय मृदा में होती है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इज अम्लीय मृदा का पीएच होता है, तो अम्लीय मृदा का पीएच हमेशा 7 से कम होता है ना, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है निछालन लीचिंग क्रिया द्वारा की मृदा का उपचार किया जाता है, यानी लीचिंग क्रिया के द्वारा किस मृदा का उपचार किया जाता है, तो लवणीय मृदा में लीचिंग क्रिया के। लीचिंग क्या होता है कि उसमें जुताई करने के बाद में उसमें पानी भर दिया जाता है खेत में, तो जितने वो साल्ट्स होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं और ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, तो वही लीचिंग कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका थर्ड क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है क्षारी मीन्स एल्कलाइन मृदाओं में अधिकता होती है, तो बोरान मॉलिब्लेटनम और सोडियम ये सभी तत्वों की अधिकता किसमें होती है, एल्कलाइन मृदा में होती है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है क्षारी मृदाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ उर्वरक है, तो क्षारी मृदाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ उर्वरक कौन कौन से, DAP कैन यूरिया, तो इसके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 यानी कि DAP और कैन ये सर्वाधिक सही है क्षारी मृदाओं के लिए ना। सिक्स्थ क्वेश्चन है क्लोरीन और सल्फर यानी सल्फेट आयन की अधिकता पाई जाती है, तो ये किसमें पाई जाती है, लवणीय मृदा में, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सेवन्थ क्वेश्चन है आयन NaCO3 और NaSCO3 की अधिकता होती है, तो ये किसमें होती है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षारी मृदाओं में NaSCO3 और NaSCO3 की अधिकता होती है। एट्थ क्वेश्चन है अम्लीय मृदाओं में सोडियम विनिमय प्रतिशत होता है, तो अम्लीय मृदाओं में सोडियम विनिमय प्रतिशत यानी सोडियम विनिमय प्रतिशत कितना होता है, ये 15 से कम होता है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन अम्लीय मृदाओं की विद्युत चालकता है मीन्स इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जिसको शॉर्ट में इसी बोलेंगे, ये कितनी होती है, हमेशा 4 से कम होती है। टेंथ क्वेश्चन है अम्लीय मृदाओं में सोडियम अवशोषण अनुपात कितना होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 से कम होता है। इलेवंथ क्वेश्चन लवणीय मृदाओं मीन्स सैलाइन मृदाओं की विद्युत चालकता कितनी होती है, तो इसका जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 से अधिक। टोटल क्वेश्चन लवणी मीन्स सैलाइन मृदाओं में सोडियम अवशोषण अनुपात कितना होता है, मतलब सोडियम अब्जॉर्प्शन रेशियो कितना होता है, तो ये होता है 13 से कम। 13 क्वेश्चन लवणीय मृदाओं में सोडियम विनिमय प्रतिशत कितना होता है, तो ये होता है फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 15 से कम। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्षारी मीन्स एल्कलाइन मृदाओं में सोडियम विनिमय प्रतिशत कितना होता है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 15 से अधिक। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन हो सकता है बार बार एक तरह की चीज़ें आ रही हैं सामने तो आपको समझ में ना आ रही हो, तो इसके लिए मैं एक वीडियो लिंक दूंगा इसमें, तो उसको देख लीजिएगा, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो अभी मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे दूंगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्षारी मीन्स एल्कलाइन मृदाओं में सोडियम विनिमय प्रतिशत कितना होता है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 से अधिक। 15 नंबर क्वेश्चन क्षारी मृदाओं में सोडियम अवशोषण विनिमय अनुपात कितना होता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 से अधिक। 16 नंबर क्वेश्चन है क्षारी मृदाओं में विद्युत चालकता कितनी होती है, कितनी होती है, 4 से कम। 17 नंबर क्वेश्चन अम्लीय मृदाओं में सुधार के लिए उपयोगी है, तो क्या है, लाइम रॉक फॉस्फेट प्रेसमठ, ये सभी उपयोगी होते हैं अम्लीय मृदाओं के उपचार के लिए, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 18 नंबर क्वेश्चन क्षारी में से एल्कलाइन मृदाओं के सुधार के लिए उपयोगी होता है, तो जिप्सम आयरन पाराइट ग्रीन मैन्योरिंग, तो ये सभी किसके लिए उपयोगी होते हैं, क्षारी मृदाओं के, तो देखिए अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए लाइम रॉक फॉस्फेट प्रेसमठ और क्षारी मृदाओं के सुधार के लिए जिप्सम आयरन पाराइड और ग्रीन मैन्योरिंग। 19 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन मुख्य रूप से अम्ल सफ़ेद मिट्टी में पाया जाता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, पायराइट। 20 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग मृदा सुधार के लिए किया जा सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जिप्सम। 21 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें लवणीय मृदा की कमी है, किसमें लवणीय मृदा की कमी है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइट्रोजन, मतलब लवणीय मृदाओं में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। 22 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा आयन अम्लीय मृदा में अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वह एसिडिक सॉइल में अधिक मात्रा में पाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन अम्लीय भूमि में किन पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है, तो फॉस्फोरस कॉपर और जिंक, किन तत्वों के अम्लीय मृदाओं में क्या होती है, उपलब्धता अच्छी खासी होती है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आला पे वो। अब इसमें हो सकता है आपको एक केवल ऑप्शन डाल के पूछ ले, है ना, तो ये सब चीज़ें आपको अपने विवेक से समझनी है।
23rd नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम और पोटेशियम की कमी पाई जाती है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अम्लीय मृदा में। 24 नंबर क्वेश्चन, फास्फोरस और बोरान तत्व की उपलब्धता किस पीएच पर अधिक होती है, तो इसमें सही हो जाएगा आपका सेकंड, 5 से 7 पीएच पर फास्फोरस और बोरान तत्व की अधिकता होती है। उसके बाद में 25 नंबर क्वेश्चन, उच्च लवण सहनशील फसलें हैं जौ, सरसों, कपास या सभी, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 26 नंबर क्वेश्चन, क्षारीय मृदाओं में आसानी से उगाई जाने वाली फसलें हैं, तो इसमें क्या सही हो जाएगा, डी, इनमें से सभी, मीन्स जई, चुकंदर और कपास, ये सभी क्षारीय मृदाओं में उगाई जा सकती हैं। लवणीय मृदा में जौ, कपास और सरसों, ये आसानी से उगाई जा सकती हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मुख्यता पाई जाती है, तो जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर अम्लीय मृदाएँ पाई जाती है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, सैलाइन मृदाओं का पीएच होता है, तो सैलाइन मृदाओं का पीएच हमेशा 8.5 से कम होता है। 29 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, तो ये कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, करनाल, हरियाणा। 30 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियम ब्यूरो कहाँ स्थित है, तो 4 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा, नागपुर, महाराष्ट्र। 31 नंबर क्वेश्चन, लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात। 32 नंबर क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल रिमोट सेंसिंग लोकेटेड, तो इसका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, हैदराबाद। 33 नंबर क्वेश्चन, पीएच के बढ़ने से किस पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ जाती है, तो इसका जब पीएच बढ़ेगा तो कैल्शियम और मॉलिब्लेडनम तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाएगी, तो इसका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 34 नंबर क्वेश्चन, एल्कलाइन मृदा के लिए सर्वोत्तम उर्वरक है DAP या यूरिया या फिर कैन, तो देखिए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो होती है, इसमें नाइट्रोजन 26% पाई जाती है, इसको किसान खाद भी कहा जाता है, क्योंकि ये न्यूट्रल होती है ना, फसल में या मिट्टी में अम्लीता बढ़ाएगी ना क्षारीता बढ़ाएगी, है ना। और DAP तो आप जानते हैं, डाइमोनियम फास्फेट, इसमें 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फेट, और यूरिया में 46% नाइट्रोजन। लेकिन प्रश्न क्या है, 34 नंबर की, एल्कलाइन मृदा के लिए सर्वोत्तम उर्वरक है, तो इसे क्या हो जाएगी, कैन और DAP दोनों, ए 4th ऑप्शन, देखिए ये 1 और 2 दोनों सही हैं, लेकिन अगर इसमें कोई मतलब 4 ऑप्शन रखे होते हो, एक सही करना होता तो क्या सही होगा, कैन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, या किसी को किसान खाद भी कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, फास्फोरस की उपलब्धता किस पीएच पर सर्वाधिक होती है, तो देखिए फास्फोरस की अधिकता 6 से 6.5 पीएच के बीच में सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम आप लोगों के बीच में नए लाए, और उसके बाद में अभी लिंक दे देंगे एक वीडियो की, इसको आप देखने के बाद में इसमें जो कन्फ्यूजन हो रहा होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।